दूसरी तो तरह इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार स्टी और बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई खबरों को तो अखबारों की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ प्रकाशित हुआ है आपके स्क्रीन पर अभी देखिए ये दैनिक भास्कर है पटना से प्रकाशित यहाँ पर लिखा हुआ है नब्बे हज़ार सात सौ बासठ शिक्षक भर्ती पच्चीस फरवरी को कैंप लगाकर एक साथ बटेगा नियुक्ति पत्र पच्चीस फरवरी कल रात को मैंने वीडियो बनाया था कल शाम को ये नोटिस आ चुका था इसके बारे में और आज के तमाम अखबारों में आपको ये वाली खबर मिल जाएगी सभी अखबार में अवेलेबल है आ, तो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं जो नब्बे हज़ार सात सौ बासठ बताया जा रहा है ये गलत है इतने ज़्यादा लोग नहीं हार्डली ये होंगे तो पैंता पैंतालीस हज़ार चालीस पैंतालीस हज़ार के आस पैंतालीस हज़ार के आसपास आप मान लें कि जिन जो, जो लोग होंगे जिनको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है अड़तीस पहले से हैं और कुछ नए लोग आएंगे कभी भी काउंसलिंग में हंड्रेड सीट भर नहीं पाती है जब फर्स्ट राउंड में नहीं भरी जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ था तो अब तो बहुत मुश्किल है खैर जितनी भी हो 25 फरवरी को छठे फेज़ का प्राइमरी वाला जो रिक्रूटमेंट था वो खत्म हो रहा है उसके बाद नजर रहेगी कि सेकेंडरी वाला भी खत्म हो और एक बार सेकेंडरी वाला भी खत्म हो गया तो फिर संजय कुमार अपनी बात पर रहें कि उसके बाद सातवें फेज़ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा टाइम है सेवन फेज़ के जो कैंडिडेट हैं एस टी वाले कि वो लोग अपना कैंपेन तेज कर दें और सीट बढ़वाने के लिए जो एफर्ट है वो डालना तेज़ कर दें चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो क्योंकि अब छठा फेज तो खत्म होता हुआ दिख रहा है अब इसके बाद बारी सातवें फेज़ वालों की ही है तो अभी के लिए इतना ही आज के अखबारों में यही खबर प्रकाशित हुई है आगे इसी तरह से बिहार के अखबारों को चेक करते रहेंगे डेली बेसिस पर न्यूज़ बनाते रहेंगे कहीं से भी कोई भी खबर आई शिक्षक बहाली से संबंधित तो आपको अपडेट करते रहेंगे अभी के लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू